हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं पूजा गुप्ता अगेन वेलकम करती हूँ आप लोग अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ स्त्री में। अभी हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो रहा है। ब्रेकफास्ट में क्या है वो मैं अभी आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हुए मिस अनिका, कैसा लग रहा है बेटू ब्रेकफास्ट? ये है आज के ब्रेकफास्ट में कचौरी, आलू और जलेबी। ब्रेकफास्ट के बाद मिलते हैं आपको। ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद अब नेक्स्ट जो है वो मुझे लंच जो है, मैं लंच की तैयारी करने जा रही हूँ। और थोड़ी तैयारी मैंने की है, वो क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। और आज हमारे साथ बने रहिएगा ब्लॉग में, क्योंकि आज आपको बहुत ही सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्योंकि आज है 23rd, कल है 24 और 24 को है करवा चौथ, तो उसके लिए तो बहुत सारी तैयारियाँ करनी होती है। आज मैं मेहंदी लगवाने जाऊँगी, प्लस मेरी मम्मी की घर से जो मायके से सामान आता है वो सारे सामान आ गए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मम्मी ने क्या क्या भेजा है। उसके पहले अभी चलते हैं हम लोग, फटाफट लंच तैयार कर देते हैं। और लंच में बनना है आज तहरी और मेरा फेवरेट चिली पनीर। तो मैंने क्या क्या रेडी किया है वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। मैं बनाऊंगी तहरी, जिसके लिए मैंने पहले से सामान को रेडी कर लिया है। आलू है, टमाटर है, प्याज और मिर्चा, ये मैंने चावल को धुल लिया है। तो मैं चलती हूँ फटाफट बनाने। और दूसरी डिश ये है कि इसके साथ बनेगा चिली पनीर। एक विजल आ गया, बस तब तक हम तैयारी करेंगे चिली पनीर की। चिली पनीर की भी तैयारी हो चुकी है, तैयारी बन चुका है। चिली पनीर बनाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो मेरा चिली पनीर तैयार है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो चिली पनीर रेडी हो गया है। और लंच रेडी हो चुका है और मैं जा रही हूँ दीदी और भैया और अनिका को बुलाने, और उनसे पूछूंगी कि आज की हमारी रेसिपी उन्हें कैसी लगी। उसके लिए मुझे जाना है, लेकिन इधर ना बहुत सारा इधर एक्स्ट्रा काम हो रहा है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा है ना कि आ रहा है। मैं अभी दिखाती हूँ कि हाँ हो क्या रहा है, फिर काम चल रहा है। ये देखा ना आपने, कितना ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है और थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कंटिन्यूस जो है ये लोग लगे हुए हैं। ये भी नहीं है कि थोड़ा ब्रेक कर ले, और सिर का हालत ख़राब हो रहा है। तो चलिए जल्दी से बुला लेते हैं अनिका को, दीदी को और भैया को, और लंच करते हैं जिससे कि हम लोग समय से निकल सके। बने रहिए हमारे साथ और पूछते हैं उनसे कि आज का लंच उन्हें कैसा लगा। दीदी और भैया फाइनली आ गए हैं, लंच कर रहे हैं। कैसा है लंच दी, बताओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रही है, फटाफट जल्दी से बता दो। भैया ठीक है, बेबी और डॉक्टर साहब, लंच करने के बाद मिलते हैं आप लोगों को। गाइस, लंच कंप्लीट हो गया है और मैं और किरण जी रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं मेहंदी लगवाने। मैं अभी उनसे मिलवाती हूँ आपको। कहाँ जा रही हैं आप बताओ? मुझे आज यही लेकर जा रही है, HSJ है ना। हम लोग मेहंदी लगवाने जा रहे हैं, इसके लिए हम लोग लंच करने के बाद तुरंत तैयार होने के लिए निकल गए थे। मैं भी तैयार हूँ, दी भी तैयार है, बस निकल रहे हैं। ओला से पहले प्लान था, फिर हुआ कि पतिदेव छोड़ देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये छोड़ के चले आएंगे, फिर हम लोग आएंगे अपना आराम से, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। उनकी ये सब खाने के लिए भी यहाँ पर पूरा अरेंजमेंट किया गया है। हम लोग जा रहे हैं अभी उसे इंजॉय करने,
और चलिए देखे चाट जो की तक कर पाते हाँ। भाभी चाट की उससे वो नहीं कर पा रही, बोल नहीं पा रही है। उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया और आपने देखा ही था मैंने मेहंदी खुद से ही लगाई थी और अब मन नहीं कर रहा है कुछ ज़्यादा लगाने का तो मैंने ऐसे ही सिंपल सा लगा लिया। सो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मेरे मायके से क्या क्या आया हुआ है। सो ये है थाल जिसमें मम्मा ने मेरे सुहाग का सामान और ये जो भी बोलते हैं कलश है जिससे वो पानी ऐसे देते हैं, मेरे को बहुत जानकारी नहीं है, और ये छलनी है तो मैं इसको ओपन करके आप लोग को दिखाती हूँ। तो इसमें आया है छलनी, ये है चूड़ी, ये है इनकी पूजा होगी करवा चौथ व्रत कथा है ये, और ये भी व्रत कथा की बुक है क्योंकि इस बार मैं यही लखनऊ में हूँ तो लखनऊ में ही करूँगी अपने आप से अकेले ही। और एक चीज़ और है कि मेरी सासू माँ है नहीं सरगी तो आनी नहीं है, इसीलिए मम्मी ने सारा कुछ पहले ही भिजवा दिया था कि इससे तुम अपना करवा चौथ कर लेना। और ये है मेहंदी, इसमें छोटा सा ऑयल है और सिंदूर क्रीम, ये ग्लास पानी के लिए, और ये प्यारा सा कलश, और ये रंग है, ये बिंदी है, ये छोटा सा प्यारा सा क्लचर है, ये काजल है, नेल पॉलिश है एंड ये बैंड है। तो ये पूरी श्रृंगार का पूरा सामान है। इसके बाद मम्मा ने मेरे लिए ये प्यारा सा ये कंगन भेजा है और मैं आपको अपनी सारी शो कराती हूँ। ये बिल्कुल ये मम्मी ने साड़ी भेजी है मेरे को, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी है ये साड़ी, मैं वेट भी करूँगी। और ये है मेरे हस्बैंड का कपड़ा, तो मेरे जैसा मेरा है उससे कंट्रास्ट है थोड़ा सा। और फिर ये फ्रूट वगैरह भेजा था तो क्योंकि अभी टाइम है 2 दिन पहले ही आ गया था तो इसी वजह से हम लोगों ने फ्रूट को बाहर कर दिया है। काफ़ी अच्छे पैकिंग के साथ आया था और काफ़ी अच्छा लगा। सो अब मैंने आपसे वादा किया था वो वादा मैंने निभाया, तो अब टाइम हो गया है कि मेरे सेकेंड हाथ पर भी मेहंदी लग जानी चाहिए। सो ओके गाइस, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जिन लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक मेरे चैनल को, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो घर पर सुरक्षित रहिए और अपनों का ध्यान रखिए। ओके गाइस, बाय।